नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इजी वार्मर्स फॉर सीनियर सिटीजंस। ये मेरी मम्मी मेरा साथ देने वाली हैं, जो भी एक यूट्यूबर हैं और उनका भी चैनल है कैलिफोर्निया नानी के नाम से। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं नी और एंकल्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप चेयर पर बैठे हुए हैं, अपने हाथों को थाइस पर रख लीजिए, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने दोनों हाथों से थाई को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रेटन करिए, राइट एंड फोल्ड, स्ट्रेटन, थोड़ा सा पैर को अपनी तरफ ले लीजिए एंड फोल्ड। नाउ द थर्ड टाइम स्ट्रेटन, इनहेल एंड फोल्ड करेंगे तो एक्सहेल। बहुत धीरे से प्यार से अपने थाई को नीचे रखिए, पैर को नीचे रखिए। अब करते हैं लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से सेम तरीके से स्ट्रेटन करिए और फोल्ड। अगेन स्ट्रेटन करेंगे तो टो को थोड़ा पैर को अपनी तरफ ले लेंगे, यस एंड फोल्ड। जमीन पर मत रखिए, अभी स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेटन पैर को अपनी तरफ और धीरे से पैर को नीचे रखिए, वेरी गुड। अभी हम करेंगे नी रोटेशन, ठीक है। ऐसे ही आप नी को उठाइए, आप चाहें तो सहारा भी ले सकते हैं। चलिए नी रोटेशन करेंगे इस तरीके से, वन टू थ्री, यस ऑपोजिट, वन सेम लेग से ऑपोजिट, टू एंड थ्री, ओके। धीरे से पैर नीचे रखिए, नाउ विद द लेफ्ट वन स्टार्ट एंटी क्लॉक वाइज फर्स्ट, वन टू थ्री, क्लॉक वाइज, वन टू थ्री, परफेक्ट। नीचे रखिए, जैसे हमने हाथों का रोटेशन किया था ना, रिस्ट रोटेशन, उसी तरीके से अभी हम अपना एंकल रोटेशन करने वाले हैं। उसके लिए फिर से आप पैर सामने लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे चाहे तो आप सहारा ले लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए थाइस को और इस तरीके से क्लॉकवाइज एंकल रोटेशन करना है, वन टू थ्री, बस ऑपोजिट ओनली आपको एंकल घुमाइए, वन टू एंड थ्री, यस। धीरे से नीचे रखिए, ओके, डू इट विद द लेफ्ट हैंड नाउ, स्ट्रेट करके सिर्फ एंकल घुमाना है, ऐसे एंकल ऐसे घुमाइए, यस ओके स्टार्ट, वन टू थ्री, ओके वापस ऑपोजिट, वन टू थ्री, वेरी गुड। अब आपको अपना टोज को स्क्वीज करना है, जैसे हमने अपनी फिंगर्स को किया था उसी तरीके से आपको अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे स्क्वीज करना है, यस, वन स्ट्रेट, टू एंड थ्री, परफेक्ट। नीचे करिए, दूसरा पैर, वन टू एंड थ्री, वेरी गुड। धीरे से नीचे आइए, थोड़ी देर आंखें बंद करिए और सांसों पर अपना ध्यान लगाइए। आप कोई भी हाथों की मुद्रा ले सकते हैं, या तो ज्ञान मुद्रा लीजिए, ज्ञान मुद्रा नीचे हाथ यहाँ पर रखिए, शोल्डर्स पर, सॉरी अपने नीज पर अपने हाथ रखिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद करिए और गहरी गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल। आसपास हो रही जितनी भी आवाज़ें हैं, चिड़िया की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, उसको ध्यान से सुनिए, पीछे बाट की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की जाती हुई आवाज़, सभी आवाज़ों को आंख बंद करके सुनने की कोशिश करिए, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गहरी गहरी सांस लेनी है और गहरी गहरी सांस छोड़नी है, इनहेल एंड एक्सहेल।
जितनी देर चाहें इसी तरीके से बैठ सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सो आपने जो हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम किया है या वार्म अप्स किए हैं, तो वो करके आपको कैसा लग रहा है, आपको शेयर करें। जिस दिन से 15 दिन से मैंने ये योगासन करने शुरू करे हैं, मुझे बहुत ही मेरा मन एकाग्र चित्त जैसे हो गया है। मैं बेटर थिंक कर सक रही हूँ और शारीरिक स्फूर्ति तो मुझे मिली ही है, लेकिन मानसिक आनंद का वर्णन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे पास शब्द नहीं है कि इस हल्का फुल्का से आसन करने के पश्चात मनुष्य कितना उत्साहित भी महसूस करता है। वरना ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डिप्रेशन में हूँ, बट जिस दिन से मैंने ये आसन करने शुरू करे हैं आई एम फीलिंग मोर होपफुल थैंक्स टू शवि भार्गव जिन्होंने ये स्कीम शुरू करी है हम सीनियर्स के लिए। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। सो अभी आपको पता चल गया है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज ज्वाइन मी।